हेलो हेलो गाइस, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। अभी हम लोग हैं रात को 9 बजे जेएसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्लास में। अगर आपको पता हो तो जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। जेएसएससी के द्वारा कहा गया है कि 21 जनवरी 2024 दिन रविवार और 28 जनवरी 2024 दिन रविवार, इन दो दिनों में सीजीएल का जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। जेएसएससी के द्वारा ये डेट जो है वो रिलीज किया गया है। अब बारी हम लोगों की है, हम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ये अब हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जेएसएससी के द्वारा डेट रिलीज कर दिया गया है कि एग्जाम जो है 21 जनवरी और 28 जनवरी को लिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए इस क्लास को लाया गया है, ताकि इस क्लास के माध्यम से जेएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें और जेएसएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें, दोनों चीजों को आप अच्छे से समझ पाए। मतलब जेएसएससी के द्वारा जो पिछले एग्जाम लिए गए हैं उन एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और जेएसएससी के द्वारा आने वाले जो सीजीएल का एग्जाम है उस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होगी, ठीक है? तो डेली रात 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग जेएसएससी सीजीएल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज इस क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कर्क रेखा जो है ट्रॉफिक ऑफ कैंसर किस जिले से होकर गुजरती है, झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं धनबाद, गोड्डा, लातेहार और सिमडेगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या होगा सही आंसर, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कर दें कि निम्न में से कर्क रेखा जो है झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है। धनबाद से होकर गुजरती है, गोड्डा से होकर गुजरती है, लातेहार से होकर गुजरती है या फिर सिमडेगा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर, तो कर्क रेखा जो है झारखंड के लातेहार जिले से गुजरती है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कर्क रेखा की बात करेंगे, कर्क रेखा जो है झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है, झारखंड के 6 जिलों से होकर, ठीक है? अब ये झारखंड के 6 जिले कौन कौन है, तो आपको याद रखना है LLG RRB, LLB होता है, जो लोग लॉ की तैयारी करते हैं वो लोग करते हैं LLB, तो LLB की जगह आपको याद रखना है LLG, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, NTPC ग्रुप डी का एग्जाम आप लोग दिए होंगे, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो LLG से है लातेहार लोहरदगा गुमला, लातेहार लोहरदगा गुमला, RRB रांची रामगढ़ बोकारो। अगर कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा जो है कुछ इस प्रकार से गुजरती है, देखिए कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें लातेहार जिले से कर्क रेखा गुजरती है, लोहरदगा जिले से गुजरती है और गुमला जिले से। तो इन तीन जिलों की बात करेंगे, इन तीन जिलों को मिलाकर होता है LLG, ठीक है, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। और इन तीन जिलों की बात करेंगे, इन तीन जिलों की, तो RRB रांची रामगढ़ बोकारो। तो LLG और RRB तीन इधर तीन उधर, टोटल 6 जिले। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 6 जिलों से होकर, कौन कौन से जिले, लातेहार लोहरदगा गुमला रांची रामगढ़ बोकारो, क्लियर है? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के इन 8 राज्यों में से एक राज्य हमारा झारखंड है, और झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के बीचों बीच से जब कर्क रेखा गुजरती है तो झारखंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है? चलिए इतना आप लोग याद रखें, आइए आगे बढ़ते हैं क्लास को।
भटिंडा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? भटिंडा वाटरफॉल, भटिंडा वाटरफॉल आप लोग नाम सुने होंगे, भटिंडा वाटरफॉल। देखिए वैसे तो झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन झारखंड में कुछ जो जलप्रपात हैं वो फेमस है, जैसे हुंड्रू वाटरफॉल, जोना वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल, लोड़ाघाग वाटरफॉल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो आपको याद रखना ही है, लेकिन भटिंडा वाटरफॉल भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। भटिंडा जलप्रपात कहां पे है? रांची, बोकारो, धनबाद, पलामू, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। भटिंडा जलप्रपात जो है वो झारखंड के किस जिले में है? अच्छा, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें, आप ही लोगों के लिए क्लास लाया गया है। जितने भी लोग जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो भटिंडा जलप्रपात धनबाद में है, कहां पे है? धनबाद में, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धनबाद, भटिंडा जलप्रपात कहां पे है तो आप लोग देख सकते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धनबाद में। ये आप देख सकते हैं भटिंडा जलप्रपात, भटिंडा वाटरफॉल कहां पे है? धनबाद में है, क्लियर। धनबाद तो झारखंड के मैप में कहां पे है? धनबाद, ये आप देखिए, ये है झारखंड के मैप में धनबाद, ये रहा, ठीक है, झारखंड के मैप में ये रहा धनबाद, क्लियर है। आपको झारखंड का मैप भी याद करते हुए चलना है, झारखंड के मैप में कौन सा जिला कहां पे है, कौन सा राज्य कहां पे है, इन सब चीजों को याद रखना है। झारखंड के नॉर्थ में कौन सा राज्य है, साउथ में कौन सा राज्य है, झारखंड के ईस्ट में कौन सा राज्य है, वेस्ट में कौन सा राज्य है, तो सभी चीजें आपको याद करते हुए चलना है, क्लियर है। आइए, निम्न में से किस राज्य को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है, भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, क्या होगा सही आंसर? भारत का रूर प्रदेश, तो भारत का रूर प्रदेश कहते हैं किसे? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं झारखंड को। देखिए, हमारे झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है झारखंड सरकार के कारण। झारखंड में ऐसी अभी तक कोई सरकार नहीं आई है जो झारखंड का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया हो। आज भी या फिर आज तक झारखंड में वैसी ही सरकार बनी है जिन्होंने झारखंड को कहीं ना कहीं लूटने का प्रयास किया है। झारखंड में मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है, इसीलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। हमारे झारखंड की अगर बात करें, पूरे देश का 40% 40% मिनरल्स जो है, 40% खनिज हमारे झारखंड से पाया जाता है। पूरे देश में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें 40% झारखंड में पाया जाता है, फिर भी झारखंड का डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी सरकार में आया है झारखंड में, वो लोग लूटने का ही प्रयास किए हैं, झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग समझिए, आप लोग समझदार हैं, कहीं ना कहीं आप लोग एजुकेटेड हैं, तो नेक्स्ट टाइम जिसको भी वोट दें सोच समझ कर दें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, झारखंड में मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, और बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाने के कारण झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे छोटानागपुर की, तो छोटानागपुर के पठार को रत्न गरबा के नाम से भी जाना जाता है। गर्भ का मतलब क्या होता है? पेट। रत्न का मतलब होता है खनिज, मिनरल्स, तो जिसके पेट में बहुत सारे मिनरल्स हो उसे रत्न गरबा कहते हैं, छोटानागपुर के पठार को रत्न गरबा कहते हैं। जेएसएससी में, जेएसएससी के द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रत्न गरबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो छोटानागपुर के पठार को रत्न गरबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। आइए, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुंड्रू वाटरफॉल कहां पे है? हुंड्रू वाटरफॉल रांची में है। कहां पे है? रांची में है, आप सभी को पता होगा रांची में है। और हुंड्रू जो वाटरफॉल है उसकी ऊंचाई पूछ जा रही है, उसकी हाइट पूछ जा रही है, तो हुंड्रू वाटरफॉल की हाइट कितनी है? ऑप्शन ए 98 मीटर, ऑप्शन बी 125 मीटर, ऑप्शन सी 70 मीटर एंड ऑप्शन डी 102 मीटर, 102 मीटर। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए
बी सी या डी, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो कितनी है, हुंडरू वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है, तो सही आंसर होगा 98 मीटर। देखिए 98 मीटर ऊंचाई के साथ ये झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। कहां पे है, रांची में है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो लोग जानते हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग नहीं जानते उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने अभी कहा कि हुंडरू वाटरफॉल 98 मीटर ऊंचाई के साथ में झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, तो सर झारखंड का फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, लोढ़ा घाघ जलप्रपात। कहां पे है सर ये, तो ये लातेहार जिले में है। कहां पे है, लातेहार जिले में है। हुंडरू वाटरफॉल कहां पे है, तो ये है रांची में, और ये आप देख रहे हैं हुंडरू वाटरफॉल यानी हुंडरू जलप्रपात। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी, बिरसा मुंडा का जन्म तो आप लोग सभी जानते होंगे, बिरसा मुंडा का जन्म जो है आप लोग सभी जानते होंगे, 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना की गई थी, और आज भी हम लोग 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था। तो 1875 में इनका जन्म हुआ था, और भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 में। कब, 9 जून 1900 में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा का जो पूरा जीवन है वो महज 25 वर्ष का रहा है। 1875 में इनका जन्म हुआ था, 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी, महज 25 वर्ष का इनका उम्र रहा था, और इन 25 वर्षों में इन्होंने ना जाने ऐसे कितने काम करके दिखाए हैं जो आज हम लोग सोच नहीं सकते हैं, इसीलिए आज भी हम लोग इन्हें याद करते हैं, और इन्हें जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है, हम लोग इन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो 9 जून 1900 को हुआ था। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा आप लोग सभी जानते होंगे, इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जो है जाता है। क्लियर, आइए मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, मुगल काल, मुगल काल का मतलब है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, यही तो है मुगल काल, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, कोकरा, मगध, अवध, झाड़िस। ऑप्शन ए बी सी या डी, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें। मुगल काल में हमारा जो झारखंड का एरिया था, झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, मुगल काल में झारखंड को कोकरा कहते थे, कोकरा, क्या कहते हैं, कोकरा, या फिर खुकरा भी कहा जाता था। झारखंड को मुगल काल में कोकरा के नाम से संबोधित किया जाता था, या फिर खुकरा भी कहते थे, खुकरा, कोकरा में क आता है क, और खुकरा में ख आता है ख, तो कोकरा या फिर खुकरा। ठीक है, मुगल काल में झारखंड को, ये जो आप झारखंड का एरिया देख रहे हैं ना, ये झारखंड के पूरे एरिया को आज हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं, इसे कुकरा या खुकरा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आइए। आप में से कई लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में, देखिए आज के टाइम पे हम लोग इसे पूर्वी सिंहभूम कहते हैं, आज 2023 में इसे क्या क्या कहते हैं, पूर्वी सिंहभूम, 2023 में इसे पूर्वी सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि 2050 में पूर्वी सिंहभूम नाम को बदलकर इसे रख दिया गया क्या, तो दक्षिणी सिंहभूम, हो सकता है कि 2050 में जाकर पूर्वी सिंहभूम के नाम को बदलकर दक्षिणी सिंहभूम कर दिया गया, और आपसे पूछा गया 2051 में कि 2023 में पूर्वी सिंहभूम दक्षिणी सिंहभूम को क्या कहते थे, तो 2051 में जो आपसे पूछा जाएगा
कि दक्षिणी सिंहभूम, तो दक्षिणी सिंहभूम अभी तो पूर्वी सिंहभूम है ना, तो इसी तरीके से मुगल काल में हमारे झारखंड को खुकरा कहते थे या फिर कोकरा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्सेल वंश का शासन झारखंड के किस जिले में था? रक्सेल वंश का शासन झारखंड के किस जिले में देखने को मिलता है? रक्सेल वंश पालामू में, हजारीबाग में, कोडरमा में या फिर सिंहभूम में? रक्सेल वंश का जो शासन है वो झारखंड में कहां पे देखने को मिलता है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? तो रक्सेल वंश का शासन देखने को मिलता है कहां पे? पालामू में। अगर रक्सेल वंश की बात करें तो रक्सेल वंश का शासन आपको पालामू में देखने को मिलेगा। जब आप झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जब आप झारखंड की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो झारखंड के शासन व्यवस्था में आपको मुंडा वंश का शासन देखने को मिलेगा, नाग वंश का शासन देखने को मिलेगा, चेरो वंश का शासन देखने को मिलेगा, रक्सेल वंश का शासन देखने को मिलेगा, सिंह वंश का शासन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कई सारे वंश हैं जिनका शासन आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। उन कई सारे वंशों में से एक वंश है रक्सेल वंश, और रक्सेल वंश का जो शासन है वो आपको पालामू वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पालामू के रक्सेल वंश, यानी रक्सेल वंश का जो शासन है वो पालामू के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। पालामू के क्षेत्र का मतलब है आज के टाइम का लातेहार और आज के टाइम का गढ़वा, क्योंकि गढ़वा जिले का निर्माण 1991 में हुआ था और लातेहार का 2001 में। पहले ये पालामू ही था। लातेहार की बात करें, लातेहार को भी पालामू कहते थे और गढ़वा को भी पालामू के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन में पालामू की जगह गढ़वा दिया हुआ मिले तो आपको गढ़वा के साथ जाना है, क्योंकि गढ़वा को भी पालामू के नाम से ही जाना जाता था। जब आप सभी जिलों के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पालामू से ही अलग करके गढ़वा जिले की स्थापना 1991 में किया गया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा जिला जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहा है? झारखंड का कौन सा जिला जो है वो जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहा है? रामगढ़, लोहरदगा, गढ़वा या गिरिडीह? झारखंड का जो कौन सा जिला है जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहा है? हालांकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। आप जब झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। जैन धर्म का बहुत अधिक प्रभाव तो हमारे झारखंड में नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का, दोनों धर्मों का प्रभाव हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है गिरिडीह। ठीक है, जैन धर्म का जब प्रसार प्रसार हो रहा था उस समय गिरिडीह जो है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो इस चीज को याद रखेंगे कि जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो गिरिडीह रहा है। ठीक है, मैप में कहां पे है गिरिडीह, तो ये आप मैप में गिरिडीह देख सकते हैं। गिरिडीह जिले की भी बात करते हैं, 1972 में गिरिडीह जिले की जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद में रखना है कि गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 में किया गया था और जैन धर्म का क्या था, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है गिरिडीह। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, अभी हम लोग बात किए किसके बारे में, अभी हम लोग बात किए मुगल काल के बारे में। मुगल काल में हम लोग देखे हमारे झारखंड को खोकरा या फिर कुकरा कहते थे। अब आइए भगवत पुराण में, भगवत पुराण में हमारे झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जो भी सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर किसी को पता है तो, किसी को अगर पता है सही आंसर क्या होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताएं ना, क्या होगा? भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? क्या होगा सही आंसर? किक्कट प्रदेश। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्या होगा? किक्कट प्रदेश।
भगवत पुराण की जब बात करेंगे तो भगवत पुराण में हमारे झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्या? किक्कट प्रदेश, ठीक है, भगवत पुराण में। क्लियर है? तो भगवत पुराण में हमारे झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आइए आगे आते। रोमन सिक्के झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? रोमन सिक्के, चलिए, सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा सही आंसर? रोमन सिक्के झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना। रोमन सिक्के कहां से मिले हैं? रोमन सिक्के की बात अगर करें तो रोमन सिक्के मिले हैं हजारीबाग से। हजार बाघों का शहर, सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन। हजार बाघों का शहर हजारीबाग, सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन, ठीक है। और हजारीबाग से क्या मिला है? रोमन सिक्के मिले हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार के होते हैं रोमन सिक्के, आप लोग देख पा रहे हैं रोमन सिक्के, और झारखंड के हजारीबाग जिले से रोमन सिक्के जो है वो मिले हैं, ठीक है। हजारीबाग तो मैप में भी आपको पता होना चाहिए हजारीबाग के बारे में, ये रहा हजारीबाग, ठीक है। और सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हजारीबाग को, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में विलेज यानी गांव की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? गांवों की कुल संख्या झारखंड में कितनी है? जल्दी बताएं क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अगर गांवों की कुल संख्या की बात करें तो झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? 32,620, ऑप्शन बी। झारखंड में गांवों की कुल संख्या 32,620, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे झारखंड में कितने गांव हैं? 32,620 गांव हैं, ठीक है। और आपको भी इसी ऑफिशियल डाटा के साथ जाना होगा, ठीक है, आपको इसी ऑफिशियल डाटा के साथ जाना होगा, 32,620। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा अगर देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे देगा? विधानसभा अध्यक्ष मतलब विधानसभा का स्पीकर अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे अपना इस्तीफा जो है वो देगा, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर। अभी रविंद्रनाथ महतो हैं झारखंड विधानसभा के स्पीकर यानी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, तो मान लेते हैं कि रविंद्रनाथ महतो रिजाइन करना चाहते हैं, अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं, इस्तीफा जो है वो देना चाहते हैं, तो वो किसे अपना इस्तीफा देंगे? मुख्यमंत्री को देंगे, राज्यपाल को देंगे, झारखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे या फिर राष्ट्रपति को देंगे? किसे अपना जो इस्तीफा है वो देंगे? क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को, अगर विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहता है तो इस्तीफा वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए झारखंड विधानसभा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है झारखंड विधानसभा, ठीक है। चलिए, अच्छा आप में से कोई गए हैं झारखंड विधानसभा? आप में से कोई ऐसा हो जो झारखंड विधानसभा गया हो घूमने के लिए? आपके सर गए हैं, ठीक है, तो आप में से कोई है जो झारखंड विधानसभा गए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्य का नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर वित्त मंत्री, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राज्य के नाम मात्र का जो कार्यपालिका प्रधान है एग्जीक्यूटिव हेड, तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है?
किसी भी राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड जो है उस राज्य का गवर्नर होता है, उस राज्य का राज्यपाल होता है। तो झारखंड का भी एग्जीक्यूटिव हेड झारखंड के गवर्नर होंगे, झारखंड के राज्यपाल होंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। और बात करेंगे झारखंड के राज्यपाल की, तो अभी झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधा कृष्णन अभी झारखंड के राज्यपाल हैं। इनके पहले रमेश बेस जो है झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे, अभी सीपी राधा कृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, झारखंड के कार्यपालिका प्रधान कौन है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, तो राज्यपाल। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं हमारे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को, और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे झारखंड के राज्यपाल हैं, इन्हें आप लोग याद रखें। ठीक है, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? झारखंड विधानसभा में प्रेजेंट टाइम पे कितने सदस्यों को, कितने मेंबर को मनोनीत किया जाता है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। झारखंड विधानसभा में प्रेजेंट टाइम पे किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है। झारखंड विधानसभा में प्रेजेंट टाइम पे किसी भी मेंबर को क्या, तो मनोनीत नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आइए। हाल ही में रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? कौन? रघुवर दास। रघुवर दास जो है किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, करंट अफेयर्स के क्लास में आपको बताया गया था, सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर का क्लास होता है, वहां पे आपको डिटेल में बताया गया था कि रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? रघुवर दास झारखंड के किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? सही आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के राज्यपाल बने हैं कौन? रघुवर दास। और ये आप देख रहे हैं रघुवर दास को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हुए। ठीक है, तो ओडिशा के राज्यपाल कौन बने हैं? ओडिशा के राज्यपाल बने हैं रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मंत्री, सॉरी पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुवर दास झारखंड के ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। झारखंड के ये पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो रघुवर दास। ठीक है, चलिए। रघुवर दास को छोड़कर अब तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सब आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एचईसी का सीएमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? एचईसी का सीएमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग पढ़कर बताएंगे। एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में है। एचईसी 1958 में, 1958 में एचईसी की स्थापना की गई थी। 1958 की बात करें तो 1958 का जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड फाइव ईयर प्लान का टाइम पीरियड है। उसी टाइम पे एचईसी की स्थापना की गई थी, सेकेंड फाइव ईयर प्लान में। और एचईसी का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के एस मूर्ति। के एस मूर्ति को एचईसी का सीएमडी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि रांची में है, उसका सीएमडी जो है वो नियुक्त किया गया है। आप लोग देख सकते हैं एचईसी का सीएमडी किसे, तो के एस मूर्ति को नियुक्त किया गया है। के एस मूर्ति, तो ये आप देख रहे हैं के एस मूर्ति, और इन्हें जो है एचईसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, एचईसी, तो एचईसी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। एचईसी के, एचईसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था कि एचईसी की स्थापना कौन से फाइव ईयर प्लान में किया गया था, जेपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं।
राज्य के किस जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी का निर्माण किया जाएगा? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये भी। झारखंड के किस जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना किया जाएगा? रांची, बोकारो, धनबाद या फिर दुमका। कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी कहां पे? और कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी में होता क्या है? ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है कहां पे? दुमका में। कहां पे? झारखंड की सब कैपिटल दुमका में। ऑप्शन डी। तो कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी दुमका में और यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया जाएगा? झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल जो है वो दिया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। आप जब ये क्लास करें तो एक कॉपी और एक पेन ले लें और सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। एक महीना टाइम है आपके पास, इस एक महीने में अपने आप को घर में बंद कर लें, क्योंकि ये टाइम अगर निकल गया ना फिर ये टाइम मिलेगी नहीं आपको दोबारा। तो स्पेशल ऑपरेशन मेडल 16 पुलिसकर्मियों को, झारखंड के 16 पुलिसकर्मियों को, ऑप्शन ए। क्लियर? स्पेशल ऑपरेशन मेडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड दिया गया है? क्या? तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड झारखंड के किस जिले को? जल्दी से कमेंट करके बताएं। रांची, सिमडेगा, खूंटी, गुमला। क्या होगा सही आंसर? झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा को। किसे? सिमडेगा को। क्योंकि सिमडेगा से झारखंड को बहुत अच्छे अच्छे हॉकी खिलाड़ी मिला है, इसीलिए सिमडेगा को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सिमडेगा मैप में कहां पे है? सिमडेगा ये रहा झारखंड के मैप में सिमडेगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमडेगा जिले के बारे में भी बात करें क्या, चर्चा करें? आइए चर्चा करते हैं। सिमडेगा जिले की स्थापना जो है 2001 में, झारखंड की स्थापना के बाद सिमडेगा जिला जो है वो दो राज्यों के साथ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, आप देख सकते हैं। तो 2001 में सिमडेगा जिले की स्थापना की गई, दो राज्यों के साथ ये जो अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है, ठीक है। चलिए आइए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के किस जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब को शुरू किया जाएगा? मोबाइल फॉरेंसिक लैब, इसके बारे में भी आप लोगों को करंट अफेयर के क्लास में बताया गया था। आप लोग फॉरेंसिक लैब के बारे में सुने होंगे। अगर आप लोग सीआईडी देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे डॉक्टर सानू के फॉरेंसिक लैब में रहते हैं, वहां पे टेस्टिंग वगैरह करते हैं। लेकिन वो जो लैब है वो फिक्स है, एक घर है, उस घर को लैब बनाया गया है। अब उस लैब को कहीं उठाकर तो ले जाया जा नहीं सकेगा, इसके लिए होता है मोबाइल फॉरेंसिक लैब। ये जो मोबाइल फॉरेंसिक लैब है ये एक गाड़ी में तैयार किया जाता है, गाड़ी में, और उस गाड़ी को आप कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। मोबाइल फॉरेंसिक लैब को गिरिडीह जिले में शुरू किया जाएगा। कहां पे? गिरिडीह में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर्स के क्लास में बताया गया था कि मोबाइल फॉरेंसिक लैब जो है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और गिरिडीह जिले में झारखंड का पहला मोबाइल फॉरेंसिक लैब जो है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि गिरिडीह जिले के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए हैं, तो गिरिडीह जिले में झारखंड का पहला मोबाइल फॉरेंसिक लैब जो है वो शुरू किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, एक बार जल्दी से बता देंगे। अगर सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना है मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं, जो कि आने वाले सीजीएल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि आने वाले एग्जामों में
आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे और सभी चीजों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे, ठीक। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।